प्यार से गुस्से में चेतावनी देकर भी लीलाराम की बात अधिकारी सुनते नहीं हैं और इस बात से कैथल के विधायक महोदय बहुत दुखी हैं। कैथल के अधिकारी भाजपा विधायक लीलाराम की बात नहीं मानते। आज एक बार फिर कष्ट निवारण समिति की बैठक में स्वास्थ्य मंत्री कमल गुप्ता के सामने उन्होंने अपना दुखड़ा रोया। लीलाराम ने पंचायत विभाग के एक्सीएन, एसडीओ और जेई पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये अधिकारी उनकी बातों पर अमल नहीं कर रहे। लीलाराम ने स्वास्थ्य मंत्री कमल गुप्ता के सामने यहां तक कह दिया कि कई बार प्यार और भाईचारे में भी बोला है, लेकिन अधिकारियों पर उसका कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों को लेकर लोकसभा चुनाव से पहले के टेंडर और एस्टीमेट आज भी अधूरे पड़े हैं। मैं आपके माध्यम से या आप उनको थोड़ा कहें, जैसे कि पंचायती राज, उसमें चाहे हमारे एक्सेल है, चाहे एसडीओ है, चाहे जेई है, उनकी कोई भी सक्रियता नहीं है, बिल्कुल निष्क्रिय है। मैंने एक्सेल साहब को भी कई बार प्यार से भाईचारे से भी कहा, परंतु कोई अमल नहीं हुआ। आप ये मान करके हैरानगी प्रकट करोगे कि चुनाव से पहले तक के चाहे टेंडर है और चाहे एस्टीमेट है, मैं ये कहता हूँ कि मैं इस टाइम का विधायक हूँ। जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 5 करोड़ के खेत खलिहान के आप लिस्ट बना करके दे, सबसे पहले लिस्ट मंत्री महोदय मैंने दी थी। जब दूसरी बार मांगी, पूरे हरियाणा में 90 विधायकों में सबसे पहली लिस्ट मैंने दी थी, परंतु दूसरी लिस्ट पे हमारे आज भी एस्टीमेट अरोड़ ये सब काम अधूरे पड़े हैं। कई बार प्यार से कह भी दिया, परंतु कोई समझ नहीं आती। आप हमारे आज गर्वेंसी जिसके चेयरमैन भी है, ये मेरी गर्वेंसी भी है, आप कितना अपने तरीके से समझाए। मैं ये भी नहीं कहता किसी को सस्पेंड करें या किसी को कोई पेनल्टी लगाए, नो, क्योंकि वो भी हमारे ही अपने है अधिकारी है, परंतु आप मंत्री होने के नाते उनको दिशा निर्देश भी दें। विधायक ने मंत्री से कहा कि आप कष्ट निवारण समिति के अध्यक्ष हो और ये मेरी आपके समक्ष शिकायत है कि आप इन अधिकारियों को अपने तरीके से समझाएं। वो नहीं चाहते कि किसी अधिकारी को आप सस्पेंड करें या ऊपर कोई पेनल्टी लगाएं, क्योंकि वो भी हमारे ही अधिकारी हैं। इसलिए आप मंत्री होने के नाते से उनको कार्य करने के दिशा निर्देश दें। गौरतलब है कि ये कोई पहली बार नहीं है जब कैथल विधायक लीलाराम ने अधिकारियों पर उनकी बात न मानने के आरोप लगाए हों। वो इससे पहले भी कई बार मीडिया के सामने आकर अधिकारियों द्वारा उनकी बात न मानने की बात कह चुके हैं। कैथल से जयपाल रसूलपुर, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।